सोनप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है और साथ ही सोनप्रयाग और साथी कुंड के बीच में लैंडस्लाइड की घटना कैमरे में कैद हो गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैमरे में कैद हो गई है ये पूरी घटना। सोनप्रयाग में रेस्क्यू अभियान जारी है और साथ ही अभी तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि सोनप्रयाग और कुंड के बीच में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार पहाड़ भी खिसक रहे हैं। यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जो लैंडस्लाइड हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। अब लैंडस्लाइड की वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है। आशंका जताई जा रही है कि उस पार जहां आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ है और उस पार कुछ लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कोशिश एक तरफ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कई जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा ये साबित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सोनप्रयाग में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और साथ ही यही लैंडस्लाइड है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आपने देखी लैंडस्लाइड की, अब ये दो तस्वीरें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। लगातार वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। लगातार केंद्र सरकार भी पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा पीएमओ की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया और कहा गया कि मदद हर तरह से की जाएगी ताकि लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बचाया जा सके। अब देखिए, बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। वहीं कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इसके अलावा कुछ पर्यटक भी हैं जो घूमने के पर्पज से उत्तराखंड पहुंचे थे। कई जगह पर लोग फंस गए हैं और ऐसे में चिनूक के जरिए आज लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त उत्तराखंड में कई इलाकों में मौजूद है और लोगों को निकालने का लगातार प्रयास और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। इसके अलावा भी लगातार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कई जगह पर वैकल्पिक मार्ग बनाकर हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए, पहली और दूसरी तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और साथ ही आप देखिए, मंदाकिनी नदी का जलस्तर, गंगा नदी का जलस्तर और साथ ही सोन नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है और मौसम विभाग का कहना है हालांकि एक हफ्ते तक काफी राहत रहेगी लेकिन उसके बावजूद दोबारा से भारी बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा उत्तराखंड पर बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है उत्तराखंड से जो कि वाकई में डराने वाली है। अब एक बार फिर से लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं, एक तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ा रही है। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तीन प्रकार से अगर मैं बात करूं केदारनाथ धाम के में और केदारनाथ के पूरे जो रास्ते में तीन प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अगर आज की बात करूं तो आज केदारनाथ जो धाम है, जो केदारनाथ धाम में फंसे जो यात्री हैं उनके लिए प्रशासन ने चिंडूक और MI-17 की व्यवस्था की है। वहां से जो यात्री केदारनाथ धाम में मौजूद हैं उनको चिनूक और MI-17 के जरिए से उनको वहां से निकाला जा रहा है और उनको गौचर यहां से भेजा जा रहा है। दूसरा अगर अभियान की बात करूं तो दूसरा हेलीकॉप्टर से, जो कि लिंचौली, बड़ी लिंचौली, छोटी लिंचौली, जो बीच बीच में अलग अलग पैचेस पे, अगर हम बात करें केदारनाथ धाम के जो रास्ता है, जो रास्ते में अलग अलग पैचेस में जो लोग फंसे हैं उनके लिए अलग अलग जो वहां पे हेलीपैड है, उन हेलीपैड
रूप से यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ से जारी है और उन हेलीकॉप्टरों से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जो अभियान है, ये अभियान है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें भी यहाँ पे आ रही है और सबसे बड़ा अभियान भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे SDRF की टीम आप अभी देख रहे हैं। पहले मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ कि SDRF के सेनानायक यहाँ पे पहुंचे मणिकांत मिश्रा जी। सर, किस तरीके से अभी स्थितियां चल रही हैं अगर हम रेस्क्यू की बात करें? पूरे इस केदारनाथ धाम के यात्रा के रास्ते में तीन जगह पर रेस्क्यू अभी चल रहा है। एक जहां हम अभी उपस्थित हैं सोनप्रयाग में, जिसमें कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये लैंडस्लाइड का पोर्शन है और अभी रेस्क्यू चल रहा था, लेकिन कल रात भर बारिश हुई है जिसके कारण से बीच बीच में पत्थर आने लगे हैं, तो अभी रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया है। थोड़ी देर बाद जब पत्थर इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनको, जो उधर दूसरे साइड में 250 लोग हैं, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। और अन्य जगह की बात करें, एक जगह भीमबली है जहां पर चॉपर से रेस्क्यू हो रहा है, और तीसरी जगह है केदारनाथ मंदिर का हेलीपैड, वहां से इंडियन एयरफोर्स के चॉपर के द्वारा रेस्क्यू हो रहा है, लेकिन वेदर खराब हो जाने के कारण बीच बीच में रेस्क्यू बाधित हो जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो चुनौती यहाँ पे सबसे ज्यादा बनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा पहाड़ खिसका था, अब यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे रणनीति तैयार करेंगे जो कि पल्ली पार जो फंसे जो करीब करीब 200 से 250 लोग हैं उनको हम इस तरफ लेके आए, तो क्या रणनीति तैयार? कल की भी हमारी यही रणनीति थी, इसमें जहां से पत्थर गिर रहे हैं उसके ऊपर से जो ये यात्री फंसे हुए हैं उनको ले आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, पत्थर का गिरना रुक जाता है, तो रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप देख देंगे क्योंकि SDRF के कमांडेंट खुद यहाँ पहुंचे हैं, अपनी टीम को यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं और यहाँ पे ये जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरीके से। आप सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको वो दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पे लोग फंसे हैं, करीब 200 से 250 लोग हैं और ये जो पैच है ये करीब 150 से 200 मीटर का ये पैच है जो पूरा वाश आउट हुआ है। अभी कुछ देर पहले जब हम यहीं पे खड़े थे तो यहाँ पे ये पूरा जो ऊपर से पहाड़ पूरा पहाड़ नीचे आ गया, क्योंकि सवेरे से हल्के हल्के पत्थर तो लगातार यहाँ पे नीचे आ रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। अमनदीप, मैं आपको वो चीज भी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इस रोड की स्थिति ये है कि अभी कुछ देर पहले यहां पे से ये पूरा रोड नीचे ढहा था, क्योंकि रोड थोड़ा आगे यहां पे 50 मीटर के करीब आगे रोड था, लेकिन नीचे क्योंकि मंदाकिनी नदी का जो बहाव है वो लगातार ज्यादा बहाव बढ़ रहा है और जो ऊपर से ये लैंडस्लाइड हुआ, उस लैंडस्लाइड से यहां पे जो थोड़ा पानी का जो कटाव है वो अंदर की तरफ हुआ और यहां पे करीब करीब 50 मीटर का जो रोड था वो यहां से अभी कुछ देर पहले ही नीचे वॉश आउट हुआ है। यहां पे टीम, यहां पे पुलिस प्रशासन यहां पे पूरी पूर्ण रूप से मौजूद है और हर प्रकार की व्यवस्था यहां पे कर रहा है और पुलिस हर उन लोगों को, हर यात्री को कह रही है कि एक एक यात्री को सुरक्षित निकाला जाएगा, लेकिन की तरफ से भी कहा गया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। और साथ ही आपने जैसे जिक्र किया कि चिनूक भी पहुंच चुका है, अब कितना वक्त और लगेगा, क्या कुछ कहना है NDRF SDRF की टीमों का, कितने लोग फंसे हुए हैं, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा? मैं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे होने की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो मौसम से हैं। आपको मैं अपने कैमरा सहयोगी संदीप से कहूंगा तो कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये सोनप्रयाग का वो इलाका है, सोनप्रयाग का जहाँ से हेलीकॉप्टर का ये पूरा पैच है, क्योंकि हेलीकॉप्टर इसी रूट, हेलीकॉप्टर और जो चिनूक है, जो MI है, उसका यही रूट है। लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं इस समय बादल धीरे धीरे बादल स्टार्ट होने लगे हैं और अगर ये बादल जल्द न छटे और ये बादल एक पूरे यहाँ पे पैक हो जाता है तो यहाँ वो हेलीकॉप्टर और जो चिनूक, जो केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे पूरी मदद की है, केंद्र सरकार के जो MI है, जो चिनूक है, उनको भी रेस्क्यू करने में दिक्कत होगी। अभी आप देख सकते हैं छोटे हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पे रेस्क्यू जारी है, क्योंकि अभी जो बादल है वो ऊपर है, अगर जैसे धीरे धीरे तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सतेंद्र आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा को लेकर। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात को बादल फटा था, जिसके बाद में यहां तबाही हुई और पैदल रास्ते तबाह हो गए। इस दौरान कई तीर्थ यात्री भी फंस गए थे, जिनका कल रात 11:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हो रहा है। लिनचोली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों की
रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में एसटीआरएफ की 6 टीमें जुटी हुई हैं और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त उत्तराखंड में ही है और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की दिखा रहे हैं कि आप देखिए छोटे हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर काफी बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर देख लिया जाए या फिर सोन नदी का, इसके अलावा मंदाकिनी नदी भी पूरे उफान पर है। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं।